नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। हिंदी दिवस को लेकर कई जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय समेत कई अन्य विद्यालयों में भी हिंदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदी दिवस के मौके पर नगर के प्रतिष्ठित सेंट मैरी स्कूल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती कुमारानी शिवा कुमारी द्वारा दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। पदोपरांत विद्यालय के प्रबंधक महोदय दीपक दास एवं प्रधानाचार्य मनोरमा द्वारा लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र का माल्यार्पण स्मृति चिन्ह व शॉल पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। विद्यालय के शिक्षक मयंक सक्सेना द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 66 वर्ष पुराना माना गया है। उन्होंने बताया कि हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु में माना जाता है। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू, हिंदी और हिंद हो गया। कक्षा 5 के छात्र छात्राओं द्वारा हिंदी की मानोदशा पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के छात्राओं द्वारा परशुराम संवाद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का अंश है, अभिनय द्वारा सुंदर प्रस्तुति दी गई। ऐसी ही तस्वीरें हिंदी दिवस के मौके पर नगर के आरसी महिला महाविद्यालय में भी देखने को मिली है। यहां आरसी महिला महाविद्यालय में हिंदी दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें एक गोष्ठी भी की गई और गोष्ठी में हिंदी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको हिंदी दिवस के मौके की दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें नगर के आरसी महिला महाविद्यालय की है,